विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गई है। इस बीच पीएम मोदी ने बिहार के सासाराम जिले में आयोजित चुनावी सभा में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बिना नाम लिए उन्हें खूब खड़ी खोटी सुनाई। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तियों के लिए बिहार के नौजवानों से लाखों की रिश्वत खाई, वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। आज बिहार में पीढ़ी भले बदल गई हो, लेकिन बिहार के नौजवानों को ये याद रखना है कि बिहार को इतनी मुश्किलों में डालने वाले कौन थे। बिहार के लोग भूल नहीं सकते वो दिन जब सूरज ढलने का मतलब होता था सब कुछ बंद हो जाना, ठप पड़ जाना। आज बिजली है, सड़कें हैं, लाइटें हैं और सबसे बड़ी बात वो माहौल है जिसमें राज्य का सामान्य नागरिक बिना डरे रह सकता है, जी सकता है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि जितने सर्वे हो रहे हैं, जितनी रिपोर्ट आ रही है, सभी में ये आ रहा है कि बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है उन्हें आस पास भी नहीं भटकने देंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने कई मौकों पर नीतीश कुमार की जमकर तारीफ भी की। पीएम ने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए तेजी से जो फैसले लिए गए हैं, जिस तरह बिहार के लोगों ने काम किया, नीतीश कुमार जी के लोगों ने, एनडीए सरकार ने काम किया, उसके नतीजे आज दिख रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े अमीर देशों की हालात किसी से छिपी नहीं है। अगर बिहार में तेजी से काम न हुआ होता तो ये महामारी न जाने कितने साथियों की, हमारे परिवार जनों की जान ले लेती, कितना बड़ा हाहाकार मचता, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। पीएम मोदी ने कहा कि मैं बिहार के लोगों को इतनी बड़ी आपदा का डटकर मुकाबला करने के लिए बधाई देना चाहता हूं।